नमस्कार। अनादि टीवी की खास पेशकश, खास खबर, खास नजर में मैं रत्नाकर त्रिपाठी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले एक बहुत ही विचित्र सा मामला सामने आया है। इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी ने आरोप लगाया है और शक जताया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने तो बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख के मांग की है कि पासवान के मौत के कारणों की जांच कराई जाए। उनका कहना है कि आखिर क्या था कि पासवान जब अस्पताल में भर्ती थे तो उनके मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किए गए। उनका यह भी कहना है कि ऐसा क्या था जिसके चलते पासवान से केवल 3 लोगों को मिलने की इजाजत दी जाए। इसके बाद रिजवान जिस मामले की तरफ आगे बढ़ते हैं वो सुनना और भी रोचक है। उनका कहना है कि अपने पिता की मौत के बाद से उनके बेटे चिराग पासवान, जिनके पास अब रामविलास पासवान की पार्टी की कमान है, वो उतने दुखी नजर नहीं आए। तो इस तरीके से बिहार के दूसरे चरण के जो कि कल जिसका मतदान होगा उसके पहले बड़ी रोचक घटनाएं आनी शुरू हो गई। एक घटना और सामने आई है, जो रूलिंग पार्टी है जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की, उसने एक वेबसाइट जारी की है। इसमें लालू यादव का जो पैतृक गांव है फुलवरिया, वहां से लेकर उनके जेल जाने तक के कई प्रहसनों को जोड़ा गया है। जाहिर सी बात है कि जनता दल यूनाइटेड की कोशिश यह है कि इस वीडियो के जरिए लालू यादव के जो भी उन पर आरोप लगे हैं, एक मामले में तो वो जेल में भी सजा काट रहे हैं, उनको अलावा बाकी लालू पर जो भी दागदार उनके करियर को बनाने वाली चीजें थी, इस वेबसाइट के जरिए उसको जनता दल यूनाइटेड ने दिखाने की लोगों के बीच कोशिश की है। पहले चरण के मतदान के पहले तक ना तो पासवान की मृत्यु को लेकर कोई इस तरीके की बात की गई थी और ना ही लालू के खिलाफ कोई इस तरीके का यूट्यूब सोशल मीडिया पर कोई वीडियो वायरल किया गया है, लेकिन अब ये दोनों चीजें वहां होती चली जा रही हैं। इस बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि सारे घमासान में कश्मीर और अयोध्या की भी एंट्री हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपनी पिछली सभा में कहा कि कश्मीर में जो धारा अनुच्छेद 370 हटाया गया उसका जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बिहार के उन नौजवानों की, बिहार के उन सैनिकों की शहादत का अपमान है जो कि सीमा पर तैनात रहकर देश की रक्षा करते हैं या जिन्होंने मुल्क के हिफाजत के खातिर अपनी जान दे दी। इधर बिहार में एक वोटर का एक ऐसा भी वर्ग है बहुत बड़ा जिसने चुप्पी साध के रखी और उसकी चुप्पी कई किस्म की अटकलों को जन्म दे रही है। कहा जाता है कि ये कमिटेड वोटर्स होता है बिहार का, जो कि आखिरी मौके तक चुप रहता है, जो कि आखिरी मौके तक अपनी राय जाहिर नहीं करता है, अपना रुझान जाहिर नहीं करता है, लेकिन वो ये तय करके रखता है कि उसे किसको वोट देना है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के झगड़े में अपनी राय नहीं बनाता, वो किसी आरोप प्रत्यारोप के आधार पर अपने वोट देने के निर्णय को नहीं प्रभावित होने देता है। वो सीधा सीधा 5 साल के या पिछली सरकार का, मौजूदा सरकार का जो भी कार्यकाल रहा हो उस पूरे कार्यकाल को आकलन करने के बाद में तय करता है कि अब उसे किसको वोट देना है। और ये कमिटेड वोटर, ये साइलेंट वोटर अपने इस मत से बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में भी नहीं हटता है, नहीं डिगता है। तो अब ये देखने वाली बात ये होगी कि फिलहाल बिहार में इस टाइप का जो वोटर है उसने किसके लिए अपना मन बना के रखा है, क्योंकि इस वोटर की खासियत ये भी बताई जाती है जो इस राज्य के राजनीतिक गणित को जो लोग समझते बताते हैं कि ये वोटर एक दो नहीं होते, ये बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में मतदान को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और यही वोटर्स वो थे जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम लोक लुभावनी घोषणाओं के बावजूद लालू और नीतीश की जोड़ी पर तमाम किस्म के जंगल राज पार्ट टू जैसे हमलों के बावजूद अपना मत नहीं बदला और उसने एनडीए की हार का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। लालू यादव और नीतीश कुमार की जीत का रास्ता तय कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी जरूर आज इस राज्य में सत्ता में है, नीतीश कुमार की सरकार भाजपा के ही समर्थन से चल रही है, लेकिन पिछला जो विधानसभा चुनाव था 2015 का उसमें हुआ यही था
कि मतदाता ने लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड की युति को, इनके कॉम्बिनेशन को उसने बहुमत प्रदान किया था और राज्य में इनकी सरकार बनने का उसने रास्ता साफ किया था। सवाल ये उठता है कि रामविलास पासवान साहब का निधन बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के पूर्व ही हो चुका था। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जो कि इस चुनाव में एक तरीके से एनडीए का सपोर्ट कर रही है, उसे इस तरीके की बात कहने की जरूरत पड़ गई कि पासवान की मौत स्वाभाविक नहीं थी, जबकि पूरा जो घटनाक्रम सामने आया था रामविलास पासवान की तबीयत खराब होने से लेकर उनका निधन होने तक में, उसमें कहीं भी किसी भी तरीके की ऐसी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती थी कि एक संदिग्ध मौत का मामला हो सकता है। तो क्या बिहार की राजनीति में इतनी ज्यादा गिरावट आने लगी है कि किसी की मृत्यु को, किसी बेटे के पिता के प्रति शोक को भी इस तरीके से कोशिश की जाए राजनीतिकरण करने की? इसी मामले पर बात करेंगे। बिहार के मामलों के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, लेखक हैं, राकेश रंजन जी, पटना के रहने वाले हैं, फिलवक्त दिल्ली में हैं वो। राकेश रंजन जी, इन सब इस बारे में बात करेंगे। रंजन जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। रंजन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता रंजन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके की जो राजनीति होती है, जो पॉलिटिकल इश्यूज रहते हैं, हालांकि मध्य प्रदेश के चुनाव में भी हमने देखा है कि कैसे यहाँ की राजनीति आइटम कमीने और तमाम तमाम चीजों पर चली गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को ही कुत्ता कहने पर यहाँ पर आमादा हो गए। लेकिन राजनीति के ऐसे चीजों के बीच में भी कई घटनाक्रम खलते हैं, कई घटनाक्रम आपको हैरत में डाल देते हैं और कई घटनाक्रम के बारे में आपको ये लगता है कि क्या वाकई ये गंभीरता राजनीति में जरा सी भी रह गई है? क्या 0.1% भी गंभीरता का पुट रह गया है जो इस तरीके से एक मामले को, एक मौत को, एक अस्पताल में जिस व्यक्ति की मौत हुई हो उसकी मौत को भी बेटे के इस व्यवहार से जोड़ा जाए कि वो उतना दुखी नहीं दिख रहा है? तो क्या दुख का भी कोई क्राइटेरिया तय कर दिया है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के प्रवक्ता ने? क्या चिराग पासवान को यह करना होगा कि एक हद तक जाकर जब तक वो दुखी नहीं दिखाएंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि उनके पिता रामविलास पासवान की मौत स्वाभाविक नहीं थी? आखिर ऐसा किस तरीके से होना चाहिए और किस लिए होना चाहिए? सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ऐसी चीजों का मतदाता पर कोई भी प्रभाव पड़ता है? बहुत ज्यादा संवेदनशील मतदाता जो कि बहुत ही सेंसिटिव होकर वोट करता है, जो कि सेंटिमेंटल वैल्यूज को लेकर आगे बढ़ता है, वो तक इस चीज को कम से कम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पक्ष में नहीं जोड़ेगा कि उसने रामविलास पासवान की मृत्यु के कारणों पर संदेह के निशान लगाए हैं? रामविलास पासवान को और उनके बेटे को जानने वाले सभी लोग, कोई भी इस बात से सहमत कभी नहीं हो सकता कि चिराग पासवान को लेकर इस मामले में किसी तरीके का संदेह जताया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हो जाता है कई बार राजनीति में, जब आपको मुद्दे कम पड़ने लगते हैं, राजनीति में जब आपको इस तरीके की चीजें लगती हैं कि अब कहने के लिए और कुछ नहीं रह गया है, तो आप वही कहने लगते हैं जो कि फिलवक्त हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो मुख्य प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, जो उन्होंने कहा है। इस बीच एक लव कुमार मिश्रा जी पटना से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लव कुमार जी से बात करेंगे इस बारे में। लव कुमार जी, स्वागत है आपका। जी लव कुमार जी, त्रिपाठी साहब जी, जो सबसे जो विचित्र स्थिति नजर आ रही है वो दानिश रिजवान के उस पत्र से आ रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि रामविलास पासवान की मौत स्वाभाविक नहीं थी, उनके बेटे इस मामले में उतने दुखी नहीं दिखे। आखिर ये बिहार के दूसरे चरण से पहले राजनीति का किस तरीके का परिदृश्य दिख रहा है? ये दानिश रिजवान जी उतने बड़े नेता है नहीं, आपको भी पता होगा, वो जीतन राम मांझी जी का स्पोक्समैन है और पिछले चुनाव के बाद कुछ दिनों तक जेल भी गए थे, आरा में काफी विवाद हुआ था। तो ये सब पे हम, मुझे लगता है पब्लिसिटी का तरीका है और ये स्पॉन्सर्ड होगा। एक्चुअली ये तो डिमांड उसके पहले, याद होगा आपको, 4 दिन पहले रामविलास पासवान के जो दामाद है साधु, जो आरजेडी के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसी तरह का डिमांड किया था। तो ये सारा चीज अभी इलेक्शन के टाइम में ही होगा, ये सब होना कोई नई चीज नहीं है बिहार के लिए इलेक्शन में।
जब वो नीतीश कुमार जी माँ बाप से उतर आते हैं चुनाव प्रचार में, चिराग पासवान बोलता है कि नीतीश कुमार को जेल में भेजेंगे, तो ये सब है ना, बहुत ही घटिया स्तर का कैंपेन हो गया है बिहार में। मिश्रा जी, एक जनता दल यूनाइटेड की एक वेबसाइट का भी आज खासा चर्चा है, जिसमें फुलवरिया से लेकर लालू यादव के जेल जाने तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बिहार के जो जनसंपर्क मंत्री हैं नीरज कुमार जी, जनरल सेक्रेटरी संजय सिंह है, उन्होंने एक नया वीडियो निकाला है फुलवरिया से होटवार, फुलवरिया लालू जी का गाँव है और होटवार जेल है रांची में जहाँ लालू जी बंद है, ये सब अभी सर्कुलेट होगा कैंपेन में, जो जिसको जितना अभी नाम कर सकता है इलेक्शन में चलता है सब। जी, तो इसका सीधा सा मतलब क्या ये निकालें लव कुमार जी कि लालू यादव जेल में रहते हुए भी अभी भी जेडीयू के लिए तेजस्वी से भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं? एकदम मैं ही कल ही उनका आया है जब उन्होंने प्रधानमंत्री ने डबल इंजन बताया था बिहार की सरकार को, लालू जी ने जेल से ट्वीट किया था डबल इंजन नहीं है ट्रबल इंजन है, सोच सकते हैं लालू जी अभी भी इन्फ्लुएंशियल हो गए हैं बिहार इलेक्शन में। जी जी, और सारा जो अटैक है पूरे इंटायर कैंपेन का करीब एक महीने का, आपने भी क्लियरली वॉच किया होगा, लालू एंड फैमिली पे ही सारा फोकस है, 15 साल में लालू ने ये किया, रबड़ी ने ये किया, उनके भाई बहन लोगों ने ये किया, तो सारा फोकस 15 ईयर्स पे ही चल रहा है अभी वो। जी जी, और डेफिनेटली उसी में एक और एड हो गया फुलवरिया होटवार, ये जो चला है अभी नया वीडियो। मिश्रा जी, ये दूसरे चरण के चुनाव से पहले जो मुंगेर की जो घटना ने अचानक तूल पकड़ा था, काफी विवाद हुआ, लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले लिया, दूसरे चरण के मतदान में क्या अभी भी मुंगेर का मामला कुछ हावी दिख रहा है आपको वहाँ पर? आपको बता दें मुंगेर और भागलपुर दोनों एडजॉइनिंग है, मुंगेर पहले भागलपुर प्रमंडल का ही पार्ट था, दोनों सटा हुआ जिला है, तभी हमारी बात हो रही थी भागलपुर के लोगों से, तो काफी वो सेंटिमेंट्स वहां पे बहुत है फैला हुआ, और इसका असर शायद भारतीय जनता पार्टी पे पड़ जाएगा वहां। हमारे कुछ कैंडिडेट से भी बात की थी तो उन लोगों ने बताया कि हाँ मुंगेर की घटना का प्रभाव अभी पड़ेगा, क्योंकि कोई एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से वहां हुआ नहीं, एक्सेप्ट डीएम और एसपी का ट्रांसफर, कोई केस मुकदमा भी नहीं हुआ, और लड़के के पिता जो अनुराग पोद्दार थे उन्होंने भी एफआईआर फाइल किया था, उसके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इम्पैक्ट तो पड़ना स्वाभाविक है, सटा हुआ जिला है वो, और रिलीजियस सेंटिमेंट्स के ख्याल से भी आपको याद होगा पिछले साल भी दुर्गा पूजा के विसर्जन के टाइम में काफी हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था, उसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अजीत सरस्वत जो पिछली बार चुनाव भी लड़े थे जेल जाना पड़ा था। तो लव कुमार जी, जैसा आज क्योंकि हमने अपनी इस बातचीत में जीतन राम मांझी की पार्टी का जिक्र किया है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का, एक सवाल यहाँ ये उठता है कि बाकी जो छोटे दल हैं, इनकी मांझी की पार्टी भी कोई बहुत बड़े आकार की नहीं है, ना उसका स्वरूप इतना विराट है, बाकी जो हम इनकी पप्पू यादव वगैरह की बात करते हैं, इस तरीके के जो फैक्टर्स हैं जो बिहार की राजनीति में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनका इस चुनाव में अभी तक किस तरीके का असर नजर आ रहा है? दो तीन चीज मार्क करने की चीज, जैसे हम पार्टी का आपने जिक्र किया, तो हम पार्टी का इन्फ्लुएंस मगध डिवीजन तक ही सीमित है, मगध डिवीजन के सिर्फ गया और जहानाबाद जिला में, विकासशील इंसान पार्टी बेसिकली एक मछुआरों की पार्टी होती थी, मल्ला लोगों की पार्टी होती थी, उसका नॉर्थ बिहार के सर्टेन डिस्ट्रिक्ट में इन्फ्लुएंस है वो, तो पैन बिहार अगर दोनों का बोलेंगे तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं एक्सेप्ट बीजेपी और जनता दल यू, रही बात पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी की, तो उनका यही, उन्होंने भी सभी जगह उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो उनका यही प्रयास है कि यादव वोट कितना ले सके, एक घाटा होगा, दूसरा मुस्लिम MIM जो है ओवैसी साहब की पार्टी, उस वो भी इस बार चुनाव लड़ रही है उपेंद्र कुशवाहा की RLS पार्टी के नेतृत्व में, ये सब जो फ्रिंज बेनिफिट्स के लिए वाले कहीं 1,000 मिल जाए 2,000 वोट मिल जाए, ये सब जरूरी होता है नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी में रिकॉग्निशन के लिए, तो इस ख्याल से लोग सभी जगह लड़ रहे हैं। जी, और जहां तक मेरा अंदाजा है कि कोई भी रीजनल जो पार्टी है, बिहार के रीजनल पार्टी जो है,
शायद ही 5,000 से ज्यादा कहीं कंस्टिट्यूएंसी में किसी को वोट आ पाया। सारा सेंट्रलाइज हो गया है, पोलराइज हो गया, गठबंधन महागठबंधन और एनडीए के बीच में। जी 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 जी, तो निश्चित रूप से ऐसा जो आपका आंकलन है कि 5,000 से ज्यादा वोट नहीं मिल पाएंगे, तो छोटे दलों के सिलसिले में इस वक्त ये कहा जा सकता है कि वहाँ छोटे तीर घाव गंभीर जैसी स्थिति नजर में नहीं आ रही। मिश्रा जी, एक इशू हराने में मदद कर देंगे, जिताने में तो मदद नहीं कर पाएंगे। जी जी, मतलब छोटे तीर गंभीर घाव की स्थिति में अभी भी दिख रहे हैं। मिश्रा जी, गंभीर घाव करने वाली स्थिति में है नहीं बेचारे साहब। अच्छा जी, एक लेकिन यहाँ पर और चीज, सभी लोग अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ते हैं ना। अच्छा जी जी जी, एक सवाल और उठता है, बहुजन समाज भी याद होगा, बहुजन समाज यूपी में काफी इन्फ्लुएंशियल होगा, मध्य प्रदेश के सर्टेन एरिया में होगा। जी जी, लेकिन यहाँ जो बहुजन समाज है वो भी आरएलएसपी के साथ, एमआईएम के साथ अलायंस में लड़ रही है सर्टेन जगह पर, तो ऐसा कोई घराव करने वाली स्थिति लोगों की नहीं है। जी जी, एक लेकिन एक जो इशू था मिश्रा जी, जो विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी से काफी पहले बहुत उठा था, वो था सुशांत सिंह राजपूत का केस। इस विधानसभा चुनाव के जो दूसरा चरण अब कल होने जा रहा है, क्या ये सुशांत राजपूत का आत्महत्या कांड जो है अभी भी कोई असर डाल रहा है वहाँ की राजनीति पर? नहीं, इनका नाम भी लेने वाला नहीं है, जो भी था एक महीने तक था वो, इवन इनके जो चचेरे भाई है बीजेपी के एमएलए बबलू जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने सारा चीज इनिशिएट किया था सीबीआई की इंक्वायरी का, उनके कंस्टिट्यूएंसी सुपौल में भी सुशांत सिंह राजपूत की कोई चर्चा नहीं है, चाहे पटना में उनका परिवार जो रहता है, राजीव नगर में दिघा विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां भी कोई चर्चा अभी तक नहीं है। एसएसआर की कोई इशू नहीं बन पाया वो, उसका दो कारण मुझे लगता है, एक तो सीबीआई ने एक तरह से लिटरली क्लीन चिट दे दिया, फिर एम्स की रिपोर्ट ये सब था, फिर सारा केस जो डाइवर्ट हो गया ईडी और वो ड्रग कंट्रोल वाला चक्कर में, ये सारा डाइवर्ट हो चुका है, थोड़ा सा भी इशू नहीं बनता है, इवन अमंग यूथ कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है। जी जी जी, तो जबकि इसके पहले तक ये माना जा रहा था, और अगर जो पूर्व डीजीपी थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था पांडे जी, यदि वो इस फाइट में रहते, इलेक्शन की फाइट में रहते, तो क्या ये उम्मीद थी कि सीबीआई वगैरह सारे तमाम घटनाक्रम के बावजूद सुशांत सिंह राजपूत एक इमोशनल इशू बना रहेगा राज्य में? नहीं, श्री गुप्तेश्वर पांडे जी के लिए सभी को सहानुभूति होनी चाहिए, बेचारे 6 महीने पहले उन्होंने वीआरएस लिया, नीतीश जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि बक्सर से चुनाव लड़ेंगे, इस चीज का बात उन्होंने खुद बोला था मीडिया में, जो उस वक्त ये जमाना था कि पांडे जी के यहाँ 100-100 कैमरा मैन सुबह से लोग पड़े रहते थे, वो चंडी बनियान में भी डीजी साहब होते थे तो इंटरव्यू देते थे, एक तो उनको टिकट नहीं दिया, टिकट नहीं मिला, दूसरे दिन भी लोग उनके घर पे गए तो उन्होंने खुद को आश्वस्त किया, पत्रकारों को बताया कि कोई बात नहीं है, मैं तो संघर्ष का आदमी हूँ, मैं स्टार कैंपेनर रहूंगा, जो स्टार कैंपेनर की 30 लोगों की लिस्ट जारी, उसमें भी सिर्फ गुप्तेश्वर पांडे जी का कोई नाम नहीं है, सभी पांडे जी अपने घर में ही आराम कर रहे हैं और कहीं जा भी नहीं रहे हैं, फेसबुक में उन्होंने पहले परसों कोई फोटो डाला था अपने दो बच्चों के साथ कि हमारे दोनों बच्चे ने जीत किया, कि पापा फोटो डाले तो मैंने डाल दिया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जी जी जी, निश्चित रूप से दो चीज़ें, दो बड़े फैक्टर, सुशांत सिंह राजपूत ये माना जा रहा था कि इशू बन जाएंगे, गुप्तेश्वर पांडे जी के लिए माना जा रहा था कि उनकी पॉलिटिकल जो रास्ता उनका साफ हो गया, वो तेज़ी से आगे बढ़ते चले जाएंगे, दो चीज़ों पर बिहार के चुनाव में जो अजीबोगरीब परिदृश्य देखने के लिए मिला है। मिश्रा जी, तीसरे चरण से पहले क्या कोई और बड़ा बदलाव आप होता देख रहे हैं बिहार की राजनीतिक गतिविधियों में? कोई बदलाव नहीं होगा, तीसरा चरण जो है कोशी पूर्णिया डिवीजन का चुनाव होगा, जिसको सीमांचल बोलते हैं, जो बांग्लादेश की बॉर्डर पे है, नेपाल की बॉर्डर पे है, अररिया किशनगंज कटिहार पूर्णिया ये सब, वो सब जो सारा एरिया है मुस्लिम डोमिनेटेड है, वहाँ थोड़ा इम्पैक्ट रहता है, वहाँ एमआईएम का एक एमएलए भी है, वो उस साइड में लगता है, एक्सेप्ट पूर्णिया और कई जिलों में हमको मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई उपलब्धि होने वाली है, पहले भी नहीं उपलब्धि थी, उधर से कांग्रेस गेन करेगा, आरजेडी भी गेन करेगा, कोई बड़ा परिवर्तन उधर नहीं होने वाला है। जी जी जी, तो तीसरे चरण में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला। लव कुमार मिश्रा जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पटना से वरिष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने कहा कि तीसरे चरण में बीजेपी के लिए गेन करने जैसी कोई बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं है,
कांग्रेस और आरजेडी को निश्चित रूप से जो उनका वोट है यहाँ पर उसका कुछ लाभ मिल सकता है। मिश्रा जी ने एक चीज बहुत अहम बताई, वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत का केस बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके से असरकारी नहीं दिख रहा है, यहाँ तक कि उनके रिश्तेदार जिन्होंने कुछ दिन पहले मांग की थी कि इस मामले की और गंभीरता से जांच कराई जाए, वो तक अब अपने निर्वाचन क्षेत्र में जा वो चुनाव लड़ रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र नहीं कर रहे हैं। और दूसरा गुप्तेश्वर प्रसाद पांडे बिहार के पूर्व डीजीपी, जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए 6 महीने पहले अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था, वो भी किसी भी तरीके से चुनावी दौड़ में नहीं है, उन्हें यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल नहीं किया है। इन सबके बीच में बिहार का दूसरे चरण का मतदान कल होने जा रहा है, उसमें कई दिग्गज प्रत्याशियों की साख दांव पर लगी है। पहले चरण का मतदान हो चुका है, उसके बाद जो एक घटना सामने आई थी मुंगेर में जो कुछ फसाद हुआ था उसका भी बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा। और जैसे हमने पहले भी कहा कि बिहार में अब बहुत बड़ी नजर उस वोटर पर टिकी हुई है जो साइलेंट माना जाता है, जो कमिटेड माना जाता है, जिसकी बहुत बड़ी तादाद मानी जाती है और जिसके बारे में माना जाता है कि अपना मत वो आखिरी तक किसी को जाहिर नहीं करता लेकिन शुरू से तय करके रखता है कि उसे किसको वोट देना है। यही वो वोटर कहा जाता है जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संभावनाओं को खत्म करते हुए लालू यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन को जीत दिलाई थी। अब माना जा सकता है कि बिहार में एक बार फिर वोटर्स का यही तबका, वोटर्स का यही वर्ग बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। क्या वो नीतीश कुमार के लिए आशाओं का संकेत बनकर आएगा और या फिर लालू यादव के परिवार सहित पूरे महागठबंधन की इस राज्य में मुरझाई हुई संभावनाओं को वो नया स्वरूप प्रदान कर सकेगा, नया यौवन प्रदान कर सकेगा, ये सब देखने वाली बातें होंगी। 10 तारीख के बाद सारा परिदृश्य स्पष्ट हो जाएगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।